नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा मामले में एक आरोपी पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू को शनिवार को जमानत दे दी। दीप सिद्धू पर भीड़ को उकसाने का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने सिद्धू को 9 फरवरी को हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार किया था। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में लाल किले पर हुई हिंसा के संबंध में दर्ज FIR में दीप सिद्धू और दूसरों के नाम शामिल हैं। इन सभी पर हिंसा करने का आरोप है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 26 जनवरी को कुछ लोगों ने लाल किले पर हुई हिंसा के बाद एक धार्मिक झंडा फहराया था। उनमें से कुछ की पहचान की गई है, जिनमें से दीप सिद्धू मुख्य आरोपी है। बीते दिनों जमानत याचिका पर बहस के दौरान बचाव पक्ष ने कहा कि उनका मुवक्किल भीड़ को जुटाने में शामिल नहीं था। ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे ये साबित होता हो कि सिद्धू ने लोगों से वहां एकत्रित होने का आह्वान किया हो। 30,000 कोर्ट में दीप सिद्धू की तरफ से जमानत याचिका पर बहस करते हुए वकील अभिषेक गुप्ता ने कहा था कि ये प्रदर्शन किसान नेताओं ने आयोजित किया था। उनका मुवक्किल किसी किसान यूनियन का सदस्य नहीं है। उस पर लगे भीड़ इकट्ठा करने और भड़काने के आरोप सरासर गलत हैं। सिद्धू किसी हिंसक कार्रवाई में शामिल नहीं था। आपको बता दें कि 26 जनवरी को हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी किसान बैरिकेड को तोड़कर दिल्ली में दाखिल हो गए थे और ITO समेत दूसरे जगहों पर उनकी पुलिस कर्मियों से झड़पें हुई थी। कई प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर चलाते हुए लाल किला पहुंच गए और ऐतिहासिक स्मारक में घुस गए और उसकी प्राचीर पर एक धार्मिक झंडा लगा दिया। इस हिंसा में 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, जबकि एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।